नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे TTML की। 108 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज के दिन, 20% की तेज़ी। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो लगभग ये स्टॉक 128 रुपये की प्राइस पे था यहाँ पे, तब भी हमने वीडियो कवर किया था। उसके बाद एक हाई प्राइस के ऊपर भी वीडियो बनाया था और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट हुई, तो काफ़ी वीडियो हमने बनाई स्टॉक के ऊपर। तो उस टाइम पर भी हमने चर्चा की थी कि क्यों इस स्टॉक में आपको टाइमली एग्जिट करना चाहिए यदि आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि रीज़न साफ़ है। अगर आप देखते हो कंपनी को, तो मार्च 2011 के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्लस में है 50 करोड़, उसके बाद यहाँ पे माइनस में 518, 659, 560, 615, 358, 2356, 9842, 668, 3714, 1997 और 1215, यानी कि 1215 करोड़ का जो कंपनी है वो कंटिन्यू यहाँ पे घाटे में चल रही है, कंटिन्यू माइनस में कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी के पास यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी को लेके कि कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे घाटे में चल रही है। और इसके अलावा जो सेल्स है, सेल्स पहले लगभग मार्च 2011 में 2250 के आसपास थी, जो अभी 1094 में रह गई, यानी कि सेल्स घटी है 10 सालों में आधी हो गई है, और प्रॉफिट भी यहाँ कई गुना, सॉरी नुकसान है वो कंपनी का और ज़्यादा हो गया है। तो ये जो सबसे बड़ा कारण है कंपनी के अंदर कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। कर्जा अगर आप देखोगे, न रिजर्व है कंपनी के पास और अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे जो फंडामेंटली कंपनी देखोगे, ROE ROC का कोई डाटा यहाँ पे है नहीं, फेस वैल्यू 10 रुपये, डिविडेंड कंपनी कोई देती नहीं है। तो ओवरव्यू अगर आप देखते हो इस स्टॉक के अंदर, फंडामेंटली स्टॉक काम का नहीं है, प्रॉफिट वाइज भी यहाँ पे कंपनी में कुछ नहीं है, फंडामेंटल भी कुछ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में ऐसी कोई खास खबर या न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फंसे हुए हैं। किसी ने यहाँ पे बिल्कुल हाई प्राइस पे बाई किया है और किसी ने यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में, अभी कोई चल रहा है जैसे आज के दिन यहाँ पे आया है, तो अगर किसी का अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है तो उसको अपना कैपिटल सेव करना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है। और कोई घाटे में यहाँ पे अगर चल रहा है, लमसम अमाउंट आपने लगा रखा है, तो आपको जैसे ही एक सही टाइम मिले यहाँ से आप एग्जिट करें, क्योंकि कंपनी में ऐसा कोई भी खास है नहीं। और अपना जो कैपिटल है, जितना ज़्यादा आप सेव कर सकते हैं उसको सेव करें और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ना सोचें, और इस तरह की कंपनी में फ्यूचर में आप बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि टाटा ने भी यहाँ पे ऐसा कोई प्लान इसके लिए बनाया नहीं है कंपनी को लेके। तो आप इस तरह के स्टॉक लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या आपका कोई भी जिससे आप उचित सलाह ले सकते हैं उसे सलाह लें, उसके बाद ही इस तरह के स्टॉक में सोचें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।